नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जे टेक्निकल एजुकेशन में। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अपने मोबाइल फ़ोन से फ़ोटो और सिग्नेचर को कैसे रिसाइज करें, वो भी एक मिनट के अंदर। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, जैसे हम कोई भी गवर्नमेंट फॉर्म वगैरह फिलअप करते हैं या भी प्राइवेट ही फॉर्म कोई भी फिलअप करते हैं, तो वहाँ पे जब डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन आ जाता है या फिर फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड का ऑप्शन आ जाता है, तब हम लोगों के साथ में वहाँ पे दिक्कत होने लगती है। क्योंकि वहाँ पे उन लोगों की एक निर्धारित साइज होती है कि हमें इतने के बी से बीच इतने के बी से लेके इतने के बी के बीच में हमें डॉक्यूमेंट चाहिए या फिर फ़ोटो और सिग्नेचर चाहिए। तो हम लोग वहाँ पर क्या करते हैं, या तो उस फॉर्म को वहीं पर ही छोड़ देते हैं या फिर हम किसी साइबर कैफ़े पे जाके उसे हम कंप्लीट करवाते हैं। तो जबकि हम अपने मोबाइल फ़ोन से भी बहुत ही आसान तरीके से इसे हम रिसाइज करके हम जो है इसे अपलोड कर सकते हैं। तो बहुत आसान सा तरीका है, इसके लिए आपको अपने मोबाइल फ़ोन में जाना है कहाँ पे, प्ले स्टोर में, और डाउनलोड करना है एक एप्लीकेशन जिसका नाम है फोटो एंड पिक्चर रिसाइजर। आप देख रहे होंगे कि ऊपर लोगो बन के आ गया है, इसका नाम है फोटो एंड पिक्चर रिसाइजर। स्काई ब्लू का लोगो आपको दिख रहा होगा, इसी के ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद में इसे सिंपली इसे इंस्टॉल कर लेना है, जैसा कि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, तो इसलिए जो है ये ओपन का ऑप्शन दिखा रहा है। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसे कर देते हैं ओपन। जैसे ही आप ओपन करोगे, आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। तो आपको जो भी डॉक्यूमेंट या फिर जो भी फ़ोटो और सिग्नेचर को जो भी रिसाइज करना है, आप सेलेक्ट फ़ोटो के ऊपर क्लिक कर देंगे। जैसे ही सेलेक्ट फ़ोटो के ऊपर क्लिक करोगे, आपके जो भी गैलरी में जो भी फ़ोटो होंगी, सारी फ़ोटो यहाँ पर आपको शो करेंगी। तो आप यहाँ से अपनी एक फ़ोटो ले लो। जैसे कि मैंने अपनी एक फ़ोटो ले लिया जिसकी साइज़ है, इस समय ओरिजिनल साइज़ है 19 KB, और साथ ही उसका डायमेंशन साथ में दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, जब इसकी KB को मान लो हमें 19 की जगह इसको हम 10 करना है, 10 KB करना है, 10 KB अगर हमें करना है, तो इसकी डायमेंशन को हम कम कर देंगे। तो हम क्या करेंगे कि इसको कम करने के लिए ऊपर आप देख रहे होंगे 4 तीर का निशान है, उसी तीर के निशान पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी 19 KB साइज़ है और उसकी डायमेंशन के हिसाब से उसे डायमेंशन कम कर दो, या फिर उसकी जो साइज़ है उसका परसेंटेज कम कर दो। जैसे हम उसका परसेंटेज 50% कर देते हैं। जब 19 KB है और उसकी साइज़ हम 50% कर दिए, तो उसकी साइज़ इस समय हो गई कितनी, 15 KB। मान लो हमें और इसे कम करना है, तो हम 40% पे कर दिए, तो इसकी साइज़ आ गई 11 KB। और अगर आप कम करना चाहते हैं तो और कम कर दीजिए, अब देख रहे होंगे इसकी साइज़ आ गई 6 KB। तो इस प्रकार से आप बहुत ही आसानी से जो है अपने फ़ोटो को यहाँ पे रिसाइज करके अपलोड कर सकते हैं, और अपलोड करेंगे तो बहुत आसानी से वो एक्सेप्ट कर लेगा। इसी प्रकार से हम सिग्नेचर भी आपको दिखा दे रहे हैं, इसके लिए आप फिर से दोबारा सेलेक्ट फ़ोटो में जाइए और सिग्नेचर को ले लीजिए। सिग्नेचर को लेने के बाद में आप इसकी एक्चुअल साइज़ देख रहे होंगे 9 KB है। मान लो हम इसकी KB इसकी साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं, उसकी जैसे मैंने कम किया था, इसकी साइज़ को मैं बढ़ाना चाहता हूं, तो हमें इसके लिए क्या करना होगा। तो हम जाएंगे आसान से उसी 4 तीर के निशान पे, और क्लिक करने के बाद में इसकी साइज़ को हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, इसकी डायमेंशन जब बढ़ा देंगे तो इसकी साइज़ ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आप देख रहे होंगे कि इसकी साइज़ हो गई 12 KB। और बढ़ाना चाहते हैं, इसकी डायमेंशन और बढ़ा दो, इस समय इसकी साइज़ हो गई 20 KB। इस प्रकार से आप अपने फ़ोटो सिग्नेचर के अलावा भी किसी भी डॉक्यूमेंट को आप यहां से रिसाइज करके अपलोड बहुत आसानी से कर लेंगे, और हर एक साइट पर वो एक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो हमें आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।